अजी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQOO की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। IQOO की तरफ से IQOO Z6 Lite 5G Amazon पर लिस्ट हो चुका है, लैंडिंग पेज वहां पर लाइव हो चुका है। एंड ये वाला जो स्मार्टफोन है 14 सितंबर 2022 को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है एंड कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में लॉन्च होगा और काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन से जुड़े मेजर स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है एंड ओवरऑल कैसा रहने वाला है स्मार्टफोन, सारी चीज डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलेगा। प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट में आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा एंड बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करेंगे तो बैक पैनल से गुड लुकिंग फोन है, फ्रंट पैनल से उतना ज्यादा आपको पसंद शायद ना आए। बैक पैनल में यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर दो कैमरा रिंग्स बनाई गई है जिसमें तीन कैमरास की हाउसिंग है। साथ ही में LED फ्लैश आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको IQOO की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में अगर देखेंगे तो वाटर ड्रॉप नॉच आपको मिलेगी, पतले पतले से बेजल्स होंगे, पतली सी चेन आपको देखने को मिलेगी। एंड कलर्स की बात करेंगे तो ब्लैक कलर में एंड ब्लू कलर में, दो कलर्स में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। दिखने में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा एटलीस्ट बैक पैनल से। फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच जो है वो चांद पे दाग जैसी लगती है भाई, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको ज्यादा शिकायत यहाँ पर नहीं आएगी। डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.58 इंचेस का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा, तो बड़ी साइज का डिस्प्ले है। सिंगल हैंड यूसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कॉन्टेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। 6.58 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, फुल HD प्लस का आपको रिजोल्यूशन मिलेगा एंड IPS LCD पैनल मिलेगा। AMOLED नहीं मिलेगा फॉर श्योर, IPS LCD पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 401 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। अच्छी बात यह है कि वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली HDR10 का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। सो कॉन्टेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ ब्राइटनेस की अगर बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 600 nits की यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगे, वहां पर आपको शिकायत नहीं आने वाली है। विजिबिलिटी वाइज बढ़िया रहेगा फोन। एंड रिफ्रेश रेट की अगर बात करेंगे तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा एंड 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट मिल सकता है। डिस्प्ले क्वालिटी मेरे हिसाब से बढ़िया मिलने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी में शिकायत आपको नहीं आएगी, बढ़िया डिस्प्ले है। नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो इस फोन का रहेगा वो इसकी परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि इस फोन में एक ऐसा प्रोसेसर आपको मिलने वाला है जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। यस, क्वालकॉम की तरफ से आने वाला 4 सीरीज का नया प्रोसेसर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर रहेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इस प्रोसेसर का नाम रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4th Generation 1 चिपसेट। यस, ये वाला जो चिपसेट है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फीचर्स है, कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि 6 nanometer पर बना हुआ चिपसेट रहेगा और एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, बस इतना ही अपने को पता है। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जैसे ही लॉन्च होगा चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। सो यस, प्रोसेसर अच्छा है, डुअल 5G को फोन सपोर्ट करेगा एंड परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिलने वाली है, सो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करेंगे तो फोन के बैक पैनल को देख करके ये चीज ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आपको खड्डे तो 3 दिए गए हैं, लेकिन कैमरास आपको 2 ही देखने को मिलते हैं एंड प्राइमरी कैमरा 100% 50 megapixels का रहेगा। अब कौन सा सेंसर रहेगा, सोनी का तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको सैमसंग का सेंसर मिल सकता है या फिर ओमनी विजन का सेंसर मिल सकता है। 50 megapixels का प्राइमरी कैमरा रहेगा, उसी के साथ में जो दूसरा कैमरा है वो 2 megapixels का छोटू मिलेगा मैक्रो शॉट्स लेने के लिए या डेप्थ सेंसिंग के लिए। 2 ही कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे। अब एक जो छोटू दिया गया है वो अगर अल्ट्रा वाइड होता तो और ज्यादा बेटर रहता, लेकिन मेरे हिसाब से रेयर कैमरा सेटअप आपको डिसेंट दिया गया है, रेयर कैमरा सेटअप में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। फ्रंट में आपको मोस्ट प्रोबेबली 8 megapixels का सेल्फी कैमरा मिलेगा। ये वाला जो स्मार्टफोन है ज्यादा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं रहने वाला है, कैमरा आउटपुट डिसेंट निकाल देगा। वेराइटी ऑफ कैमरास यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, लेकिन डिसेंट कैमरा यहाँ पर आपको मिलने वाला है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग क्या मिलेगी, 4th Generation 1 क्या सपोर्ट करेगा, इस चीज को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपको 1080p 30fps तो डेफिनेटली मिलेगा। सो कैमरा में मुझे लगता है कि ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी, तो ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, डिसेंट एंड एवरेज कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिल सकता है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो मुकुल शर्मा जी ने कंफर्म किया है कि 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो बैटरी का साइज बढ़िया रहने वाला है।
हालांकि IPS LCD का पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलता है, उसी के साथ में 6 नैनोमीटर का चिपसेट और 5000 mAh की बैटरी, मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप जो है वो डिसेंट रहेगा। नॉर्मल यूसेज पर आपको एक दिन का बैकअप मिल सकता है, 6.5-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बैटरी के साइज में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। चार्जिंग स्पीड की अगर बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 44 वॉट की चार्जिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एंड 44 वॉट का चार्जर ऑब्वियसली आपको बॉक्स के अंदर भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाला है, चार्जिंग स्पीड अच्छी मिलेगी, बैटरी का साइज अच्छा मिलेगा, बैकअप अच्छा मिलेगा, चार्जर इनबॉक्स मिलेगा, तो बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm जैक भी मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा और छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिलेंगे जिसमें जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, कंपास, एक्सेलेरोमीटर, फलाना ढिकाना सारे सेंसर आपको मिलते हैं, तो सेंसर में आपको कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे एंड्रॉइड 12 के ऊपर आएगा फोन, उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा फंटा चॉइस 12। अब फंटा चॉइस की माया आपको पता है, कहीं धूप है कहीं छाया है, जहां पर आपको ब्लोटवेयर्स भी मिलते हैं, एड्स भी मिलते हैं, फीचर्स भी मिलते हैं, बग्स भी मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती है, मतलब एक्सपीरियंस जो है आपका सो रहेगा। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा, ओवरऑल एवरेज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका रहेगा। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स रहेंगे, ऑडियो क्वालिटी ओकेश रहेगी क्योंकि इस सेगमेंट में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन इस फोन में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो ऑडियो क्वालिटी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट रहेगा, जहां पर दो सिम कार्ड आप लगा पाएंगे या फिर एक सिम कार्ड को निकाल करके मेमोरी कार्ड आप लगा पाएंगे। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, 1 TB तक आप बढ़ा पाएंगे लेकिन हाइब्रिड स्लॉट के साथ में। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो स्पेसिफिकेशन डिसेंट है, नॉट सो स्पेशल, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है क्योंकि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, क्या लेके आने वाला है, कितना पावरफुल रहने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए स्नैपड्रैगन 480 प्लस जो लास्ट टाइम लॉन्च किया गया था 4 सीरीज में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G के बराबर का प्रोसेसर था, तो यहां पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो प्रोसेसर है ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। वेरिएंट्स की अगर बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 3 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च हो सकता है, 4+128, 6+128 एंड 8+128। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो 3 में से 2 वेरिएंट्स मोस्ट प्रोबेबली आपको 15,000 के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं एंड दैट वुड बी अ वेरी वेरी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट, क्योंकि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी अच्छी है, डिजाइन अच्छा है, सो यस प्राइस पॉइंट काफी एग्रेसिव रहने वाला है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, IQOO जो है इस स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया में क्या रखने वाला है एंड क्या आप ये स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।